अभी अगर पीजिएगा तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, अगर रोजाबाद पीजिएगा तो फिर पैसा नहीं देंगे। नहीं नहीं, उसके बदले हम आपको 1000 रुपये देंगे, आपको बस खाली पानी पीना है। 2000 रुपये देंगे, 5000 रुपये लीजिए, अभी मेरे साथ लीजिए, पहले पहले पैसा ले लीजिए, उसके बाद पानी पीजिएगा। मजबूर मत बस आपको एक ठंडा पानी पीना है, आप रोजा किए, रोजा तोड़ना है बस, आप उसके बदले आपको 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये आपको जितना चाहिए उतना पैसा देंगे, बस आपको रोजा तोड़ना है, तोड़ सकते हैं आप? 5 लाख देने से रोजा नहीं भंगेगा, 10 लाख देने से नहीं भंगेगा। तो 5 लाख का क्यों है? ये रोजा का कीमत जानते हो? नहीं, तो यही बात देखिए। तो हेलो गाइज, आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो शूट करने के लिए निकला हूँ, क्योंकि मेरा सामने एग्जाम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। अब से चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होगी गाइज। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आखिरी रमजान चल रहा है, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, रोजा से हैं आप? घर कहाँ आपका? अकेले लेके जाएंगे? रोजा नहीं लगी आपको आज? थोड़ा आगे कर दीजिए गाड़ी, थोड़ा गाड़ी आगे कर दीजिए, गाड़ी रखेंगे यहाँ पे। आपके लिए एक ऑफर है, पीजिएगा अगर आप, ठीक है, तो उसके बदले हम आपको 1000 रुपये देंगे। अभी अगर पीजिएगा तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, अगर रोजाबाद पीजिएगा तो फिर पैसा नहीं देंगे। 2000 रुपये देंगे, 5000 रुपये दे रहे हैं? नहीं देंगे। क्यों नहीं पीजिएगा? रोजा है ना, 5000 रुपये रोजा नहीं तोड़िएगा? 10000? कुछ नहीं, लाख टका देने से रोजा नहीं बनेगा। सोचिए, अगर 1000000 रुपये देंगे आपको तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस पानी पीने की तो बात ही है ना, तो नहीं तोड़िएगा? क्या चाहिए आपको बोलिए, ये पानी पीने के लिए आपको क्या चाहिए ये बताइए। कुछ नहीं चाहिए, आप जो बोलेंगे वही देंगे आपको हम, लेकिन रोजा नहीं तोड़िएगा, किसी भी हाल में नहीं तोड़िएगा, आप सब रोजा रखे हैं। आप जो मांगिएगा वही देंगे। कितना पैसा चाहिए बोलिए, कितना पैसा चाहिए? क्यों नहीं पीजिएगा? उसका रीजन तो दीजिएगा ना आप, किस कारण से नहीं पीजिएगा? 5 लाख देने से रोजा नहीं भंगेगा, 10 लाख देने से नहीं भंगेगा। रोजा का कीमत जानते हो? बोलिए। 70 आदमी खाने से नहीं। हाँ तो 70 आदमी खिला दीजिएगा ना, पेट भरा के हम लोग को पैसा दे देंगे ना। सुनिए चाचा, हाँ चाचा सुनिए, हम आपको मान के चले 1 लाख रुपए देते हैं, ठीक है, अगर आप एक रोजा तोड़ते हैं 70 आदमी को पेट भर के खाना खिला दीजिएगा। अच्छा सुनिए ना चाचा, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना, कहाँ इतना बिजी हैं आप? हाँ, आप क्या 70 आदमी को खिलाइएगा तो फिर भी रोजा एक नहीं तो 100 आदमी को खिला देंगे ना, खिलाने से नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा उसका सवाब, एक रोजा का सवाब नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने आदमी को खिलाना पड़ेगा? कम से कम 150 आदमी को खिलाना होगा। ठीक है, हम आपको 150 आदमी खिलाने का पैसा दे देते हैं आपको, फिर आपको 10000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 150 आदमी खिलाने का पैसा अलग से देंगे आपको। आपको हम दे रहे हैं ना, आप किसी को थोड़ी ना पता चलेगा, हम आपको छुपके से दे रहे हैं। चाचा एक बार सोच लीजिए, फायदा आप ही का है ना, फायदा करने से हम आपको अभी नगद देंगे, नगद अभी अभी साथ में देंगे आपको। सोच लीजिए एक बार, हम यहीं पे हैं। नहीं, सोचा हुआ है। तो नहीं पीजिएगा? चाचा सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो माने नहीं, इधर आइए, अभी तोड़ने का बात नहीं बोल रहे हैं आपको, हम तो बस ये देख रहे थे कि आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप कितनी दूर तक जाते हैं। इंसान अभी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जानते हैं ना, बहुत सारे मुसलमान कितने बेईमान होते हैं, रोजा तो दूर की बात है, आप कुछ भी कर सकते हो पैसों के लिए। हम आपके ऐसा इंसान कहीं नहीं देखे हैं, आज पहली बार देखे हैं कि आप
सीधा मना कर दिया आपको, अगर 5 लाख 10 लाख कुछ भी देंगे फिर भी आप नहीं तोड़िए अगर रोजा। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वही बात है ना, आपकी उम्र हो गई है, आज छोड़ के कल मर जाएंगे, ऊपर क्या दिखा, क्या लेके जाएंगे ऊपर साथ में, पैसा थोड़ी ना जाएगा साथ में आपका। हाँ वही बात है ना, पैसा तो नहीं जाएगा साथ में आपका, आपका ईमान जाएगा, आप क्या किए हैं ऊपर वालों के लिए, अल्लाह के लिए। वो तो क्या था? दुनिया में बहुत काम किया है। हाँ वो ठिकाना है। वही बात है ना, अगर आप 1 लाख के लिए अभी आप रोजा तोड़िएगा तो कितना गुना होगा। 70 आदमी दूर की बात, 70 आदमी अगर 70 लाख आदमी भी खिला देंगे फिर भी पूरा होगा कि नहीं होगा ऊपर वाला जाने। वही बात है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा चेहरे दिए आपको, हाथ पैर दिए, कमा के खा रहे, खुश है ना अपनी जिंदगी में, खुश है कि नहीं है? हाँ तो फिर हाँ वही 10 हजार के लिए 1 लाख के लिए थोड़ी ना अपना रोजा तो आप ईमान तोड़ सकते हैं। आप सच में मेरा दिल जीत लिए ये बात बोल के, आपके ऐसा ईमानदार हम कहीं नहीं देखे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। ठीक है मेरी तरफ से ये तोहफा रखिए आप, मेरी तरफ से ये तोहफा है आपके लिए, इफ्तार में खाइएगा आप, ये तो ले सकते हैं ना, इफ्तार के बाद खाइएगा, अभी नहीं खाने बोल रहे आपको। ये अलग हो। हाँ ये मान गया कि वो बहुत आदमी, बहुत आदमी क्या बोलिए, वो बात नहीं है। हाँ हम बस आपका दिल देखे कि आप दिल में क्या है आपका, अब क्या कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, और कुछ चाहिए आपको? बहुत कुछ होता है ना, घर की परेशानी की वजह से रोजा तोड़ देता है, अगर पैसा का बात बोलने से तो आदमी बहुत कुछ कर देता है, तो रोजा तो दूर की बात है ना, इंसान किस हद तक गुजर सकता है कोई नहीं जानता है, पैसों के लिए बस हम आपको वही देख रहे थे। सही बात है कि नहीं है? फिर भी आपको हम 1 लाख 5 लाख का बात बोले फिर भी आप नहीं माने। हम पहले था फुटबुटी, चोरी हो गया था तो चोरी का बात आदमी। अच्छा अभी चला देते, इसमें कितना हो जाता है आपका भाड़ा, दिन में कितना कमाई हो जाता है? दिन में मतलब मोटा मोटी किसी दिन 500 होता है, किसी दिन 400 होता है, 400-500 हो जाता है। हम तो आपको 5 हजार रुपये अभी दे रहे थे ना, यही बरकत है, इसी में बरकत है, और अगर हम 5 हजार रुपये देंगे तो इसमें बरकत नहीं है, क्यों ये क्या होगा? वो पैसा का बरकत नहीं है, वो पैसा का बरकत है, पसीना का पैसा बरकत जाएगा। अच्छा और जो ऐसे ही आएगा तो वो क्या, जो हम देंगे तो उसमें बरकत नहीं होगा? देखिए दुनिया में थोड़ी भी जो बेटी है, हजार हफ्ता में 2000 हो जा रहा था हफ्ता में। अच्छा 2000 हो रहा था एक आदमी, वो पैसा का बरकत नहीं है। तो नहीं, अगर खुद से कमा के करे तो उसे बरकत आएगा ना, इसमें मतलब 1400 कमाएंगे ना। हाँ। बाल बच्चा खून पसीना का कमाई का बरकत अलग है, बैठ के जो पैसा आएगा किधर से आएगा, किधर से आएगा कोई नहीं जानता है, वो मालूम नहीं कि किधर से चला जाता है। हाँ वही बात है। अच्छा आप तो समझदार बहुत है, समझ रहे हैं ना आपका बात हम, तो ठीक है चाचा आते हैं फिर। मेरा मकान क्या करेगा जान के, छोड़िए ना, हम तो बस देख रहे थे आपको कि आप क्या कहते हैं, दिल में कोई बात ही आपका, कोई बात है अगर कुछ कहना चाहते तो बोल दीजिए। नहीं अल्लाह का शुक्रिया है, तो यही निमा से कर दिया यार। हाँ देगा अल्लाह दौलत देगा तो छप्पर भांग के ही है। हाँ नहीं देगा तो यही इसी में चला जाए। सही बात। अच्छा अच्छा ठीक है फिर आते हैं ना, ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुनिए आप रोजा से हैं, रोजा रखे हैं ना, आपके लिए एक ऑफर है, जैसे ये पानी का बोतल है ठीक है ना, इसको आपको पीना है ठीक है, और इसके बदले मैं आपको नहीं लेंगे। एक मिनट रुकी सुनिए ना, पहले बात सुनिए, इसके बदले मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, पानी सील पैक बोतल है अभी खरीद के लेके आए दुकान से, 1000 रुपये देंगे, नहीं लीजिएगा? आप रोजा रखे है ना तो आप, आपका भरोसा नहीं तो दूसरा बोतल खरीद के देते पानी का, आपको मेरे सामने अभी पानी पीना होगा तभी हम आपको 1000 रुपये देंगे। नहीं वही हमको बोल रहे हैं, हम पानी नहीं पीते, आप आपको तो पानी पीने, आप किसी को बुलाएंगे, 1000 रुपये आपको देंगे हम,
आप पानी पी पाएंगे? 5000 रुपये देंगे, लीजिएगा? नहीं पीजिएगा? अच्छा सुनिए चाचा, सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, सुनिए ना चाचा, आप यहाँ सुनिए, आइए, आप नाराज हो गए, सुनिए ना, हम तो बस ये देख रहे थे कि आप क्या बोल रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, रमजान के महीना चल रहा है, बस हम आपको ये देखना चाहते, पैसे के लिए आदमी किसी हद तक भी जा सकता है, ये पानी नया बोतल सील पैक है, ठीक है, आप कुछ पहले कुछ और सोचे, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा दिल सख्त हुआ, देख किस लिए हमको पैसा और पानी देता है? नहीं नहीं, हम बस आपको यही देख रहे हैं, ये पानी का, ये बोले कि आपको ये पानी पीना है, उसके उसके हमारा दिल नहीं करता है पानी पीना, नहीं नहीं, उसके बदले हम आपको 1000 रुपये देंगे, आपको बस खाली पानी पीना है, 2000 रुपये देंगे, 5000 रुपये लीजिए, अभी मेरे साथ लीजिए, पहले पैसा ले लीजिए, उसके बाद पानी पीजिएगा। नहीं देख, इतना मजबूर मत बन, मत बन। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मजबूर नहीं, नहीं पी सकते है ना, हाँ तो वही तो हम देख रहे हैं, इधर आइए आप, इधर आइए। आपको क्या बोले कि बस आपको एक ठंडा पानी पीना है, आप रोजा किए, रोजा तोड़ना है, बस आप उसके बदले आपको 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये आपको जितना चाहिए उतना पैसा देंगे, बस आपको रोजा तोड़ना है, तोड़ सकते हैं आप? बस वही तो हम बस बोल रहे हैं चाचा को, चाचा बोल रहे हैं कि कुछ भी बोले मिला के दे रहे हैं हम, हाँ कोई भी तोड़ नहीं सकता है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, हाथ पैर दिया, कमा के खा रहे हैं, हाँ वही तो बात है, ये दिन और तीन दिन है, हाँ, हाँ पता नहीं चल रहा, अब क्या पता इससे ऊपर कौन मरेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, ये रहमत का दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हयात और मौत, रोजी और दौलत, तुम्हारे पास कितना दौलत है, ये दौलत नहीं कह सकोगे तो हमारा दिन, हमारा उम्र भी रहेगा। सही बात नहीं, सही बात बोल रहे हैं, क्या पता अगले साल जिंदा रहे या नहीं रहे, ये दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात नहीं, अभी पैसा है नहीं है, पैसा तो कोई गारंटी नहीं है, तो हमारे पास पैसा यही ये पैसा रहेगा, रहेगा ही नहीं, सही बात, हम पैसा नहीं दिखा रहे, बस आपको ये देख रहे हैं कि हम आपको, आप किस हद तक जा रहे हैं, इंसान बहुत, और मौत, रोजी और दौलत, ये चार सवाल कह सकोगे? नहीं, कोई नहीं कह सकता है, कोई कह नहीं सकता है, कोई आज छोड़े कल देख के आया है क्या होने वाला है? सही बात है, अंकल बोलोगे, हाँ हमारा काम मौत, मौत है, तब कोई नहीं जान सकता है, अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, अभी मर सकते जाके, अंकल आप तो मेरा दिल जीत लिया, आपके लिए बस गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट, सुनिए सुनिए, अब ये भी बोलते खजूर तो ले सकते हैं, हमको खुशी से दे रहे हैं बस, ये खजूर का पैकेट दे रहे हैं चाचा, अगर आप कुछ गलत समझे तो अलग बात है, नहीं आप बिल्कुल सही बात बोले, इसीलिए तो आपको खुशी से दे रहे हैं, और ये पूरा सिल पैक, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो अलग बात है, हम पानी का भी बोतल आपको सिल पैक दिए, ये मेरा तरफ से आप खुशी से रखिए चाचा, आप आइए, आप यहाँ आइए, आप लीजिए, बोले मेरा दिल जीत लिया, आप मतलब भाग रहे हैं, सबसे पहले तो आप शुरू शुरू नाराज हो गए सदम को लग रहा था, ऐसे सुन के लग रहा था, नहीं तो बोलता है पहले बोला नहीं, नहीं हम आपको बस यही बोले, चाचा इस चाचा को पूछते हैं, आप ये लीजिए, मेरी तरफ से ये पानी का बोतल है, ठीक है, आप रोजा रखिए ना, ये पानी का बोतल है, ये खोल के आपको बस पीना है, उसके बदले हम आपको 2000 रुपये देंगे, अभी देंगे साथ साथ, हाँ अभी पीजिएगा, हाँ क्या बात बोले, कह रहे हैं कि आप पैसे के लिए कितना दूर तक जा सकते हैं, रोजा तोड़ सकते हैं अपना, बस ये देख रहे हैं हम कोई कंपनी से नहीं आए हुए हैं, इंसान बहुत हद तक जा सकता है, कोई भी इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत इंसान सलमान बेईमान भी है, आपको मालूम है, पैसे के लिए आज भी गुजर सकता है, बस वही हम देख रहे हैं, वो खिलाने के बाद अलग है, ये हम सीधा रोजा तोड़ने के बाद बोल रहे हैं कि आप पैसा के लिए रोजा तोड़ सकते हैं अपना, ईमान आप बेच सकते हैं पैसे से, बस ये बोल रहे हैं हम, जो गलत है वो तोड़ देगा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, आप तोड़िएगा, हम 5000 रुपये दे रहे हैं, अभी देंगे हम आपको, अभी 5000 रुपये देंगे, हाँ तो आप सच्चे ईमानदार हुए, वही तुम बोल रहे हैं, आप तो बचपन से आज बुरा होने वाला, कुछ दिन बाद मर जाएंगे, क्या आप देख के आए ऊपर क्या होने वाला है, वही बात है, नाराज तो नहीं होना चाचा, दिल में कोई बात नहीं रखिएगा ना, बस चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चाचा, अस्सलाम वालेकुम, रोजा से हैं आप, रोजा रखे हैं, आपके लिए एक ऑफर है, रुकिए रुकिए ना, कहा इतना बिजी, सुनिए ना चाचा, ऐसा कैसा इंसान है इस दुनिया में यार, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हम यूट्यूबर है ठीक है भैया, हम यूट्यूबर है ठीक है, हम यूट्यूबर हैं, इनको हम पूछ रहे थे, रोजा रखे, रोजा रखे ना आप, हम रोजा रखे, हमारा ऊपर कौन ऑफर है, तुम सुनिए सुनिए, हम इनको क्या बोल रहे थे
कि आपको एक पानी का बोतल दे रहे हैं, ठीक है, आपको पीना है, आपको 1000 रुपए देंगे, आप रोजा तोड़ सकते हैं पैसा के लिए, बस ये पूछ रहे थे। आपको रोके नहीं, बोला आप रुके भी नहीं, तो यही बात देखिए क्या बोल रहे हैं अंकल, गलत सोचे हैं, सोचे बस। अभी हम उनको क्या बोलेगा, रुकिए चाचा एक ऑफर है, रुका ही नहीं, कुछ नहीं बोला क्या चाचा, आप भी गलत सोच रहे हैं। अरे ये चाचा तो डर गए थे लगता है, तो सामने से हम उनको रोके, फिर रुका भी नहीं और इतना तेज साइकिल चला रहे थे, लगता कि हम शायद कुछ करने जा रहे थे उनको, इस वजह से चाचा डर गए थे, इसीलिए अपना गांव का आदमी को बोल रहा था। ये अब आदमी है, कुछ भी सोच सकता है, इंसान है। अब जैसे हम हेलमेट में लगा के घूम रहे हैं, इस दुनिया में ना हर किस्म के इंसान मिलता है, आप लोगों ने देख लिया। अब इस जमाने में यूट्यूबर बनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप रोजा रखे हैं ना, बोतल है और आपको ये पानी का बोतल पी के रोजा तोड़ना है, आपके बदले आपको 1000 रुपए देंगे। हा? ये पानी का बोतल आपको पीना है, ठीक है, रोजा तोड़ना है आपको, हम आपको 1000 रुपए देंगे। हाँ आप लाख रुपया दीजिए तो हम पीते हैं। नहीं तोड़िएगा, नहीं तोड़िएगा, फिर भी नहीं तोड़िएगा, लाख रुपए देंगे फिर भी नहीं तोड़िएगा। तुम शरीर एक तरफ, एक शरीर दो दोगे ना भोजन के, जी जी बिल्कुल, इतना रुपया से हम रोजा नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, नहीं तोड़ेंगे, एक लाख भी देने से नहीं तोड़िएगा, एक लाख रुपया जी दोगे। चाचा सुनिए, आप नाराज मत रहिए, बस हम यही पूछ रहे थे आपको, बस हम देख रहे थे कैसा पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको यही देख रहे थे। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारे मुसलमान के जितने भी उम्र दराज लोग हैं किसी भी हाल में रोजा नहीं तोड़ने वाले हैं, आप उनको चाहे 1000 रुपए क्या लाख रुपए भी देंगे फिर भी नहीं तोड़ेंगे, ईमान के पक्के हैं। चलिए अब मैं देखता हूँ हमारे जैसे यंग लड़कों को, जवान लड़कों को देखता हूँ मैं कि उनके दिल में क्या है और वो क्या कहते हैं इस बारे में। रुको भाई, तो बहुत कुछ कर सकता है, किसी का जान भी ले सकता है, लेकिन रोजा तोड़ सकता है कि नहीं, बस यही देख रहे थे हम। नहीं होता है ना, ऐसे 5-10 हज़ार में कुछ नहीं होता है। हाँ वो बात है, लेकिन अरे भाई अगर किसी को अगर 100 रुपए भी दोगे ना, अगर जिसका नियत में हरामी है घुसा हुआ, नियत खलाल है, 100 रुपए मान जाएगा, हो पी लेगा। सबसे पहले हम बुरा सब आदमी को, जो सब उम्र दराज आदमी है, उन लोगों को पूछे, ठीक है, सबको मना कर दे। हम सोचे आप जवान टाइप को देखते तो आप लोगों को मिले सामने, इसलिए आप लोगों को पूछे कि आप तो बीच में मौलाना साहब है, आप तो पीने देंगे नहीं, अगर पीना भी चाहे ये लोग तो पीने नहीं देंगे आप। नहीं हम लोग ऐसे भी नहीं पियेंगे, रोजा नहीं किया फिर भी छुपा रहे हैं। हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग तो मेरा दिल जीत लिया सच में ये बात बोल के। ये मेरी तरफ से रखिए, कम से कम मेरी तरफ से तोहफा है, ये हम मुसलमान है, मुसलमान है मेरी तरफ से, ये रखिए आप दिल से लीजिए, दिल से, ठीक है, अगर अगर आपके दिल में कुछ भी है तो बोल सकते हैं। हाँ वही बात, हाँ उधर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुसलमान भाई हैं, इतनी आसानी से झुक नहीं सकते हैं, इतना रोजा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि साफ बोल रहे हैं, अगर आप लोग लाख रुपए भी देंगे तो हम लोग रोजा नहीं तोड़ सकते हैं, अब क्या ही बोलेंगे। भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी आप लोग गलत लगा या कुछ भी पूछ सकते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी कोई जात धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैं खुद मुसलमान हूँ, बस मुसलमान भाइयों को दिल में क्या है बस वो जानने के लिए मैं ये वीडियो शूट किया हूँ। आप लोग ऐसा हो तो कुछ भी मत सोचना गाइस। गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।